नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग सुनते हैं। आज का प्रसंग है ज्येष्ठ माह की द्वादशी के दिन माँ तुलसी की कथा, जिसे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए, ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए इस कथा को जानते हैं और सुनते हैं और भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करते हैं। हरि प्रेमियों, जेठ महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी माता जी को सींचती थी और तुलसी माँ से कहती थी, हे माँ तुलसी, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहु दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान विष्णु ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि यह बुढ़िया रोज आती है और जल डालती है और यही बात कह कर चली जाती है। मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन भगवान कृष्ण का कंधा मैं कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान विष्णु बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपना कंधा दे आऊँगा। तू बुढ़िया माई से बोल देना। जब बुढ़िया माई चल बसी, सब लोग वहाँ पर आ गए। जब माई को ले जाने के लिए चले तो वह किसी से भी नहीं उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बच्चे का रूप धारण करके वहाँ पर आए। बच्चे ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो ये बुढ़िया माँ अपने आप ही उठ जाएगी। बालक ने उसके कान में कुछ बोला। बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, और लो मैं आ गया कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। हे तुलसी मैया, जिस प्रकार वह बुढ़िया माई मुक्त हो गई, बुढ़िया माता को मुक्ति दे दी, वैसे ही सबको देना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सबके घर में सौभाग्य देना, सबके घर में लक्ष्मी देना और सबको सुख शांति से रखना। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।